तो झारखंड के युवा सीएम, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि जो नई विधानसभा चुनी गई है उसमें सबसे ज्यादा युवा पहुंचे हैं और साथ ही महिलाओं की संख्या के लिहाज से भी, महिलाओं की भी हाउस में प्रेजेंस के लिहाज से बात की जाए तो 19 सालों में ये महिलाओं की हाईएस्ट प्रेजेंस है झारखंड विधानसभा के लिहाज से बात करें। लेकिन आपने उस इंटरव्यू मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनी होगी, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सुपरस्टार प्रचारक हैं लेकिन उनके प्लेयर जो थे वो कमजोर रहे, इतने कमजोर रहे कि स्टार प्रचारक के बावजूद जीत नहीं पाए। इसलिए अपने आप में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों शिकस्त मिली रघुबर सरकार को, सत्ता में वापसी का मौका जनता ने क्यों नहीं दिया। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि कुल मिलाकर सत्ता विरोधी लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। हालांकि बीजेपी ने पिच किया था कि पिछले 5 साल में उन्होंने स्थायी सरकार दी है। वहीं हेमंत सोरेन क्या करने में कामयाब हुए, उन्होंने गठबंधन को एकजुट कर लिया। और ये भी आपको याद दिला दूं कि बीजेपी अकेले चुनाव में गई, जबकि हेमंत सोरेन की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, ये तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। रघुबर सरकार के लिहाज से देखिए वही सुपरस्टार प्रचारक वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन कह रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व पर, जी हां, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रघुबर सरकार की दिखाई दी, बहुत ज्यादा निर्भरता थी। और राष्ट्रीय पिच पर बीजेपी ने गेम खेला, जबकि हेमंत सोरेन स्थानीय मुद्दों पर जोर देते रहे, वो जनता के साथ वो कनेक्ट स्टैब्लिश करने में, कनेक्ट स्थापित करने में कामयाब हो गए। आदिवासी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया रघुबर सरकार द्वारा, भूले नहीं नॉन ट्राइबल लीडर थे और रघुबर दास जो थे वो नॉन ट्राइबल लीडर थे। वहीं हेमंत सोरेन ने बहुत ही समझदारी से, टैक्टफुली आदिवासी वोटों की गोलबंदी कर दी। इसके अलावा इकोनॉमी का असर, रघुबर सरकार रोजगार के मौके नहीं दे पाई, उसमें कमी आई और जो अंतर कलह थी ऑपोजिशन में उसको खत्म करने में, उस पर लगाम कसने में हेमंत सोरेन कामयाब हो गए। और यही जीत और हार का फर्क जो है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आदिवासी सीएम का मुद्दा, जो मैंने आपसे कहा नॉन ट्राइबल थे रघुबर दास, और इसी को कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने कैपिटलाइज किया। वही झारखंडी और बाहरी वाला मुद्दा। मेरे सहयोगी चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। चंदन, दो बातें हैं, एक तो ये कॉलिशन है, स्थायित्व को लेकर एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। मेरा आपसे सवाल ये है, मिनिस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इन तीनों दलों के बीच में क्या बात हुई है और तीनों दलों की इकट्ठे मीटिंग कब है, ये मिलने कब वाले हैं एक साथ? देखिए, संभावना जताई जा रही कि अलग अलग बैठक के बाद आज देर शाम ये तीनों इकट्ठे बैठेंगे और उसमें आधिकारिक तौर पे रणनीति बनेगी। देर रात भी कुछ हल्की बैठकें हुई थी जिसमें कांग्रेस के प्रभारी और हेमंत सोरेन के बीच, लेकिन वो उस बैठक में सारे फॉर्मूलों पे चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि आरपीएन सिंह हेमंत सोरेन से उनके आवास पे बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन व्यस्तता की वजह से जो फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूलों पे, कैसे सरकार को चलाना है, कैसे गठबंधन में जो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इन सभी पहलुओं पर लंबा होमवर्क अभी नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम दोनों ये चाहते हैं कि ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी फॉर्मूले को अगर पहले होमवर्क में बेहतर तरीके से तय कर लिया जाएगा तो सरकार 5 साल तक बेहतर तरीके से काम करेगी और जनता की उम्मीदों के अनुरूप ये काम कर पाएगी, और इसलिए थोड़ा होमवर्क अभी इस पे होगा। दोनों दल के नेता अलग अलग बैठक करेंगे और फिर दोनों एक साथ बैठेंगे। राजद को भी, राजद को इसमें महज एक सीट मिली है, इसलिए खास करके मुख्य रूप से जेएमएम और कांग्रेस के बैठक में फॉर्मूलों पे फाइनल मुहर लगना बाकी है और इसी पे सबसे ज्यादा होमवर्क होगा। लेकिन अलग अलग दोनों बैठेंगे, उसके बाद ही देर शाम तक संभावना जताई जा रही है कि इकट्ठे ये महागठबंधन की एक बैठक होगी जिसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो बैठेंगे पहले। अच्छा, बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है, क्या वहां पर भी मीटिंग्स का दौर जारी है, आत्ममंथन हो रहा है, क्या चल रहा है बीजेपी के खेमे में? देखिए, बीजेपी में अभी बैठक होगी लेकिन उसका समय सीमा फाइनल नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री रघुबर दास जब थे और जिस तरह से उन्हें हार मिली, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी इसकी ली, वो खुद उन्होंने कहा कि उनकी हार है, और इसके बाद अंदर खाने होमवर्क चल रहा है कि आखिर किन वजहों से बीजेपी को जनता ने खारिज कर दिया। क्या जो नॉन ट्राइबल फेस बीजेपी का था,
क्या उसे जनता ने खारिज किया, क्योंकि 5 साल गैर आदिवासी चेहरे के तौर पे रघुवर दास काम करते रहे और इसको लेके चुनाव के दौरान महागठबंधन की तरफ से सबसे ज्यादा हमले किए गए थे, बाहरी सीएम, गैर आदिवासी सीएम, तो इस पे भी होमवर्क चल रहा। प्लस ये भी समझने की कोशिश हो रही है कि जब चुनाव में जब बीजेपी जा रही थी उस दौरान जो बागी हुए या जो अपने बागी हुए, क्या उनका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि कई ऐसे सीट है जहां पे जो बीजेपी के बागी हुए वो उनका मुकाबला अपने ही उम्मीदवारों से हुआ था, उसका भी नुकसान बीजेपी को हुआ है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी होमवर्क करेगी, लेकिन अभी बैठक की समय सीमा तय नहीं हुई है। चंदन, सवाल ये भी है कांग्रेस के लिए आज से बात की जाए डिप्टी सीएम का पद और साथ ही कितने मिनिस्ट्रीज का पोर्टफोलियो कांग्रेस पार्टी चाहती है, स्पीकर का पद क्या कांग्रेस पार्टी को दिया जा सकता है, इसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है, वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अटकलों का बाजार सिर्फ गर्म नहीं है, कांग्रेस के यहाँ पे जो बड़े चेहरे के तौर पे प्रदेश में हैं सुबोध कांत सहाय, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस को डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। लेकिन जब इस मामले में जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी इन सारे पहलुओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसमें हम लोग बैठेंगे, बैठक में पार्टी के पहले आला नेताओं से बात होगी, फिर बातचीत में ही सब कुछ तय होगा। लेकिन एक संभावना जताई आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी तक इस पे मुहर नहीं लग पाया है। शुक्रिया चंदन, आपके पास आएंगे आगे अपडेट्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा ये जो मंत्रिमंडल होगा, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, उसमें कांग्रेस पार्टी कितने पर जाकर मानती है। हालांकि हेमंत सोरेन की परफॉर्मेंस की बात की जाए, उनकी पार्टी के प्रदर्शन की बात की जाए, तो बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं नागरिकता कानून पर। जी न्यूज जो अपना जागरूकता अभियान चला रहा है उसे देशभर से जबरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। लोगों की मांग पर आपको बता दें हम एक नया नंबर आपके लिए लेकर आए। पहले वाले नंबर पर कंजेशन की शिकायत लगातार आ रही थी, अब आप अपने स्क्रीन पर दो नंबर देख रहे हैं, तो पहले वाला नंबर जो था 7836800500, अब आप 7834998998, अगर आप नागरिकता कानून का समर्थन करते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर मिस्ड कॉल करके अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं बड़ी संख्या में रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, तो 36 लाख से ज्यादा लोग, 36,56,697 लोग अभी तक नागरिकता कानून के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं।